सेशन में कई बड़े बड़े बुर्जुलित का चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन मुल्तान और लुधना दोनों हलकों से हार गए। नौशहरा में परवेज खाटा खानदान का सिपाया दोनों बेटे और दामाद भी सीटें हार गए। आफ्ताब शेरपा और नलगली अमीर हैदर गोटी नाकाम, रुहेल अस्कर राजा विशारद शेख राशिद शफीक अयाज अमीर बशीर मीमन और जावेद लतीफ भी नाकाम। राणा सनावला के दामाद अहमद शहरियार को शिकस्त, राणा मशहूद भी हार गए। खानेवाल से पीर असलम बोतला को शिकस्त, अमीर वफाक और साबिक गवर्नर महमूद खान भी नशिस्तें ना बचा सके। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी सीट हार गए। एमक्यूएम ने एक भी सीट लेने के काबिल नहीं, उन्हें मुसल्लत किया जा रहा है। कराची में 6 जगह पर कब्जे हुए, बैलेट बॉक्सेस टूटे गए, एमक्यूएम फारिग हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का बलदियाती इलेक्शन से ज्यादा वोट्स हासिल करने का दावा। कहते हैं कि लोगों ने पहले की नस्बत ज्यादा वोट्स कास्ट किए। दौरान इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इंतखाबात की शफाफियत को बरकरार रखता। कराची में 12 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हुई। कराची में लोग निकले, अच्छे वोट पड़े। जमात इस्लामी को लोगों ने मैनेट दिया, किसी से इत्तेहाद से मुतालिक कोई बात कबल अज वक्त। एमक्यूएम कारकुनों का पाकिस्तान हाउस पर जश्न, एमक्यूएम का 18 नशिस्तों पर सबकत का बड़ा दावा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि नया सूरज निकलेगा, मुतहदा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुस्तफा कमाल बोले, कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया, कराची की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आएगी। एमक्यूएम कराची में कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाएगी। हैदराबाद और मीरपुर खास के आवाम का भी शुक्रिया। वफाक और पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाएगी, मरियम औरंगजेब का दावा। कहती है कि आवाम की खिदमत के नए दौर का आगाज होगा। पार्टी के इंतखाबी सेल में नतायज की आमद का सिलसिला जारी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज न होने से नतायज के हुसूल में मुश्किल हुई। हमारी पोजीशन मजबूत है। मुस्लिम लीग नून आवाम को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहद हमेशा की तरह पूरा करेगी। हमारा अपना इलेक्शन सेल है जहाँ से इंतखाबात के तमाम नतायज मुरतब कर रहे हैं। 120 के करीब हमारे एमपी जीतेंगे। कराची में हम 10 नशस्तें निकालने की पोजीशन में हैं। पीपी राघवा मुराद अली शाह का दावा। कहते हैं कि बगैर पार्टी आजाद उम्मीदवारों से राबता करेंगे। इंतखाबी नतायज में गैर मामूली ताखीर हो रही है। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से टर्न आउट पर असर पड़ा। मेयर कराची का इंतखाबी नतायज में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर कुहर का विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। जीएनएम से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है कौमी असेंबली की 150 नशस्तें हासिल करेंगी। पीपल्स पार्टी के साथ इतिहाद की कोई बात नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। अगर नतायज नहीं आ रहे तो मतलब है इंतखाबी नतायज बदलने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान की 6 नशस्तों के नतीजे आ सके। जेयूआई ने 3, बीएनपी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 1-1 नशस्त जीत। जरदारी खानदान आम इंतखाबात में हरीफ उम्मीदवारों से आगे। आसिफ अली जरदारी एनए 207 से आगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना से कामयाब। फरियाज आलपुर और अशरफ बेगम ने भी कामयाबी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून ने 14 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी 9 पर कामयाब। आजाद उम्मीदवार 12 नशस्तें ले उड़े। 1 पर काफ लीग और 1 पर बीएनपी कामयाब। पंजाब असेंबली के 41 सीटों में से 24 नून लीग, 2 काफ लीग के नाम। 15 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध असेंबली की 48 में से 43 पीपल्स पार्टी और 3 आजाद उम्मीदवारों के नाम रही। 1 पर जीडीए और 1 पर जमात इस्लामी कामयाब। आम इंतखाबात में शरीफ खानदान कामयाब। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नवाज शरीफ एनए 130 से 1,71,000 वोट लेकर कामयाब। एनए 123 से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज 119 से कामयाब। हमजा शहबाज ने एनए 118 से कामयाबी हासिल कर ली। 50 सीटों के नतीजे आ गए। 46 पर आजाद उम्मीदवार, 2 पर नून लीग और 2 पर जेयूआई कामयाब।